नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मई शनिवार दोपहर 3 बजे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर की खास खबरें। श्री गंगानगर जिले में 3 लॉकडाउन के दौरान परिस्थितियां सामान्य रही हैं। इस दौरान अब तक 1094 लोगों के सैंपल भी लिए गए। 169 लोगों के सैंपल कल भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। वहीं देर रात को 134 लोगों के सैंपल मिल गए थे। इस तरह से 925 लोगों की सैंपलिंग की रिपोर्ट मिल चुकी है, जो नेगेटिव रही है। वहीं लॉकडाउन 3.0 की अवधि कल समाप्त हो जाएगी और रविवार रात 12 बजे से लॉकडाउन 4.0 आरम्भ हो जाएगा। नए नियमों में क्या प्रावधान होंगे, इसकी जानकारी भी आज शाम तक मिल जाने की संभावना है। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में एक युवती लापता हो गई है। माना जा रहा है कि वह किसी युवक के साथ चली गई है। पुलिस ने इस प्रकरण को दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि विवाहिता का विवाह 5-6 माह पूर्व ही हुआ था। वह पीहर आई हुई थी, इसके बाद अचानक ही लापता हो गई। पुलिस का कहना है कि मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर तलाश की जा रही है। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह नेपाल मूल का बताया जा रहा है। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान विमल नामक युवक के रूप में हुई है। उसके बड़े भाई धन बहादुर की रिपोर्ट पर मर्ग FIR दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम से पूर्व उसके कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। श्री गंगानगर जिले में लॉकडाउन के नियम में छूट दी गई, तो इसके उपरांत अब महिलाओं के लापता होने की घटनाओं में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। इस तरह के मामलों को पुलिस भी दर्ज करने में देर नहीं कर रही। नया मामला राजेसर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां से एक युवती लापता हो गई। उसके पिता की ओर से रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। श्री गंगानगर जिले से पंजाब जाने और वहां से आने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नियम काफी कड़े होने के बावजूद लोग आवागमन के लिए लंबी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए भी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ADM ने भी पंजाब से चिपते राजस्थान की सीमा का निरीक्षण किया और वहां उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक आदेश दिए। जो जानकारी मिल रही है, उसमें सीमा के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई नजर आती है। श्री गंगानगर में दुल्हन लेने के लिए पंजाब से एक और दुल्हा पहुंचा। उसको श्री गंगानगर सीमा में पहुंचने से पहले हेल्थ स्क्रीनिंग सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ा। इस दौरान उसको 3 घंटे लग गए। उसका श्री गंगानगर में आज विवाह होना है। बारात में उसके साथ 3 अन्य और लोगों का आना भी बताया जा रहा है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित नई धान मंडी में पिछले 15 दिनों से भी ज्यादा समय से चल रही हड़ताल आज समाप्त होने की संभावना है। वरिष्ठ व्यापारी नेता हनुमान गोयल ने इस संबंध में जानकारी दी कि सरकारी खरीद तो नियमित रूप से चल रही है, किंतु व्यापारियों को राज्य सरकार से अपेक्षाएं थी, उनको पूरा नहीं किया जा सका है। इस कारण व्यापारी नई कर व्यवस्थाओं को समाप्त करने सहित मांगों के विरुद्ध हड़ताल पर थे। आज बैठकों का दौर चल रहा है और शाम तक हड़ताल समाप्त होने की संभावना है। श्री गंगानगर जिले के उपभोक्ताओं को निशुल्क 1 किलो दाल अगले सप्ताह मिल सकती है। लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया था। जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने 2 माह तक राशन मुफ्त देने की घोषणा की है। दाल का भी निशुल्क वितरण किया जाना है। रसद अधिकारी का कहना है कि विभाग को अगले हनुमानगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगियों के मिलने का सिलसिला जारी है। कल 2 और रोगियों के पॉजिटिव के रूप में सामने आने के बाद नई व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। भादरा और आवासर क्षेत्र में 2 नए रोगी सामने आए हैं। भादरा थाना क्षेत्र के गांव शेरगढ़ में एक महिला कोरोना पॉजिटिव के रूप में सामने आई है। महिला सूरत से लौटी थी। वहीं रावतसर कस्बे के वार्ड नंबर 15 में एक रोगी सामने आया था। यह व्यक्ति जयपुर से लौटा था। इसके बाद दोनों थाना क्षेत्र में कर्फ्यू का प्रावधान किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद पहली बार पलायन शहरों से गांवों की ओर हो रहा है। सामान्य श्रमिक ही नहीं, जो लोग सालों से परिवार सहित शहर में रहते हुए रोजगार कर रहे थे, वे भी अब गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर से ही अब तक लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। गत 20 से 25 वर्षों से गांव व दूसरे राज्यों में लोगों के रोजगार के लिए आने के कारण शहर के बेतरतीब बस्तियां बस रही थी, लेकिन अब वे कुछ खाली दिखने लगी हैं। राजस्थान में अब अचल संपत्ति के खरीद बेचान समेत तमाम तरीके की रजिस्ट्री अब महंगी हो जाएगी। सरकार ने सभी रजिस्ट्री पर देय स्टाम्प शुल्क पर लगने वाले उपकर की दर को दुगना कर दिया है। अब तक यह उपकर 10% की दर से वसूला जाता था।
जिसे अब 20% किया गया है। सरकार ने ताजा आदेश में कहा है कि इस उपकर का उपयोग गो संवर्धन अथवा सूखा, बाढ़ महामारी, जन स्वास्थ्य जरूरतें, आग और अन्य प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए किया जा सकेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जीवन चर्चा पर एक बार फिर से शुरू हो गई है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब दफ्तर, दुकान, बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है सैनिटाइजेशन। हाथों के सैनिटाइजेशन के साथ साथ स्थान का भी। सभी तक जहां केवल नगर निगम को ही सैनिटाइजेशन का काम कर रहा था, अब लोग अपने स्तर पर करने लगे हैं। अलग अलग इलाकों में संक्रमण के फैलाव के साथ साथ निगम का काम सिमटता जा रहा है। अब लोग अपने दुकान, कारखाने, दफ्तर व घरों को स्वयं ही सैनिटाइज कर रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.